दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से LTS में स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सारा कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि IPO प्राइस था, किस प्रकार के अभी रिजल्ट्स हैं, किस प्रकार के निवेशक इसमें बने रह सकते हैं या उनको जो है इसमें एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्या स्टॉक प्राइस वगैरह है, एक नज़र में वैल्यूएशन वगैरह भी देख लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बिजनेस में एक लाइन में समझेंगे। देखिए, जो कंपनी है लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, अगर देखा जाए जिस प्रकार के आजकल रसायन होते हैं, मोस्टली कई चीज़ों में फ़ायदा होता है, उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में उनकी भयानक मांग रहती है, चाहे वो FMCG के प्रोडक्ट्स हों, चाहे कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स हों या फिर अन्य प्रोडक्ट्स हों। तो इसके तहत इसलिए ये एक स्पेशल कंपनी है, खासकर बहुत ही ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जिसमें सिर्फ यही बनाती है, दुनिया भर में लार्जेस्ट है, लीडर है। ग्रीन केमिस्ट्री के तहत ना सिर्फ कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, बल्कि अगर देखा जाए तो जो केमिकल का रिसाव वगैरह होता है जिससे आसपास के लोगों को तकल्लुफ या फिर एक तरीके से देखा जाए एनवायरमेंटल इको फ्रेंडली ये कंपनी है कि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को भी किसी प्रकार के कोई ऑब्जेक्शन या बंदिशें ना लगाना पड़े, क्योंकि बहुत सारी कंपनियों में अगर ऐसे कोई इश्यूज आते हैं तो उसमें जो है कंट्रोल बोर्ड सख्त हो जाता है, तो उस कंपनी पर ज़रूर प्रभाव पड़ता है। यही कारण रहा कि आप देखेंगे चाइना में जिस प्रकार से आज भारतीय कंपनियां फल फूल रही हैं, तो वो चाइना की ऑफकोर्स देन है कि चाइना में प्रदूषण की वजह से ही बहुत सारी कंपनियों में बंदिशें लगी, बैन लगा, और उसकी वजह से चूँकि ग्लोबल में डिमांड ज़्यादा थी, भारतीय कंपनियों की जो है निकल पड़ी, जैसे कि दीपक नाइट्राइट हो गई या जो अन्य कंपनियाँ हैं। तो क्लीन साइंस अगर देखा जाए तो इस समय जो है लीडर मैन्युफैक्चरर है ग्रीन केमिस्ट्री के तहत। तो आइए देख लेते हैं किस प्रकार के प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स देखिए, यहाँ पे देखेंगे प्रोडक्ट्स और उनके एप्लीकेशंस हैं और किस प्रकार के रेवेन्यू में, किस प्रकार का रेवेन्यू रहा उस प्रोडक्ट वाइज, ताकि आपको पता लग सके कि किस इंडस्ट्रीज़ में इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड है और उसमें किस प्रकार का रेवेन्यू मिल रहा है। MEHQ और जो इसके प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, पॉलीमराइजेशन इनहिबिटर इन एक्रिलिक एसिड्स, एक्रिलिक एस्टर, सुपर ऑब्जर्बेंट पॉलीमर्स डायपर्स एंड सैनिटरी पैड्स में इस्तेमाल होते हैं, प्रीकर्सर फॉर द एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री। जो BHA इनका प्रोडक्ट्स है, एंटीऑक्सीडेंट इन फूड एंड एनिमल फीड इंडस्ट्री हो गया, TBHQ स्टेबलाइजर इन ऑयल इंडस्ट्री, PBQ इंटरमीडिएट इन एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री, AP इन्फेंट फूड फॉर्मुलेशंस, ब्रेकफास्ट सीरियल्स एंड कॉस्मेटिक्स। फार्मास्यूटिकल्स के लिए जो केमिकल रहा, ग्वायाकोल प्रीकर्सर फॉर द मैन्युफैक्चरर APIs फॉर कप सिरप, DCC है रीजेंट इन एंटर रेट्रोवायरल, और FMCG में अगर देखते हैं 4MAP यूज्ड इन UV ब्लॉकर इन सनस्क्रीन, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में आ जाती है, एनिसोल आ जाता है प्रीकर्सर फॉर द परफ्यूम्स, इंसेक्ट फेरोमोन्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। अब रेवेन्यू अगर हम देखते हैं जो ये परफॉर्मेंस केमिकल्स में है, तो साल दर साल बढ़िया ग्रोथ है। आप 2018, 19, 20, 21 और 22 के देखेंगे तो जहां 2021 में 355 करोड़ थी, वहीं बढ़ के हो गई है 473 करोड़। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर देखते हैं तो लेकिन 2021 और 22 में बढ़िया जंप देखने को मिली है, 83 करोड़ से सीधे 113 करोड़ की हो गई। इस प्रकार से FMCG केमिकल्स में अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे 2021 और 22 में यहाँ भी अच्छी खासी बढ़ोतरी है, ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी अच्छी खासी देखी गई है। तो ये प्रोडक्ट्स और ये इनके प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू रहे और ये एप्लीकेशंस रहे। यहाँ पे हम कंसोलिडेटेड फिगर्स देख रहे हैं। जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे जो क्वार्टरली रिजल्ट्स रहे, तो दिसंबर और मार्च 181 करोड़ से बढ़ के हो गए 205 करोड़। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा, 76 करोड़ से बढ़ के हो गया है 84 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं तो 42% से हो गया 41%, 1% की यहाँ पे गिरावट है। और नेट प्रॉफिट अगर देखते हैं 58 से 62 करोड़ का हो गया है, जबकि पिछले वर्ष के क्वार्टर में अगर हम देखते हैं प्रॉफिट था 53 करोड़, तो उससे बढ़ के आया है ईयर ऑन ईयर। और इसी प्रकार से सेल्स में भी देखते हैं तो 134 करोड़ से 205 करोड़ है साल दर साल के क्वार्टर में। तो यहाँ पे नंबर्स तो ठीक लग रहे हैं। अगर हम देखते हैं चारों क्वार्टर्स के ईयर ऑन ईयर 2021 और 22, तो टोटल जो सेल्स रही 512 करोड़ की, उससे बढ़ के हो गई है 2022 के वित्त वर्ष में 685 करोड़ की। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 260 करोड़ से बढ़ के हो गया 300 करोड़, जो कि बेहतरीन है। हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे देखेंगे तो 51% से जो है कम होकर रह गया है 44%। और नेट प्रॉफिट अगर हम देखते हैं 198 करोड़ से बढ़ के हो गया है 228 करोड़। अगर इंटरेस्ट देखते हैं तो ज़ीरो, इट मीन्स कि यहाँ पे कोई कर्जा वगैरह नहीं, कंपनी जो है डेट फ्री है। जो ग्रोथ देखते हैं अगर कंपाउंडेड, तो यहाँ पे 3 वर्ष की देखते हैं 20% है, 3 वर्ष की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 33% निकल के आ रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी अगर देखते हैं 35% निकल के आ रही है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है 46% लेटेस्ट। कंपनी के पास देखिए रिजर्व्स भी हैं
758 करोड़ के आसपास और कोई कर्जा नहीं है, एक डेट फ्री कंपनी है। प्रमोटर्स को देखते हैं तो उनके पास एक शानदार होल्डिंग है, 78.51% की होल्डिंग है और मुझे लगता है कि इनको अभी होल्डिंग अपनी कम करनी पड़ेगी। FIIs अगर देखते हैं तो 5.18% है, जबकि पिछले कई क्वार्टर से मार्च तक के आंकड़ों में बढ़े हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी करीब 4% के आसपास हैं, बाकी पब्लिक है वो 12% हैं। क्लीन साइंस 1787 के प्राइस पे आज ट्रेड हो रहा है। इसका जो IPO प्राइस था ये आया था करीब 19 जुलाई 2021 को इसकी लिस्टिंग हुई थी और 900 रुपये का इसका IPO प्राइस था और 1422 यानी कि लिस्टिंग के बाद और 2700 का हाई बनाते हुए अभी फ़िलहाल 1700 के आसपास यानी कि 1000 के आसपास का भी करेक्ट हो चुका अपने हाई से। तो एक वर्ष में जो रिटर्न है वो मात्र 12.5% के आसपास रह गए हैं, लेकिन 6 महीने पहले जिन्होंने निवेश किया है तो इतनी ज़्यादा गिरावट हुई है पूरे सेक्टर में तो ये स्टॉक भी अछूता नहीं रहा और इसमें भी करीब जो है 16.5% का नुकसान हो रहा है जिन्होंने 6 महीने पहले निवेश किया है। 1 रुपये की फेस वैल्यू है पर शेयर, याद रखिएगा, और मार्केट कैपिटल है इसकी जो है 18,236 करोड़, यानी कि अभी भी देखा जाए जो न्यूली लिस्टेड कंपनियां कुछ रही हैं या कुछ और भी जैसे कंपनियां हैं, चाहे वो अलग उनके केमिकल्स हैं भले ही, लेकिन उनकी मार्केट कैप छोटी है, चाहे लक्ष्मी ऑर्गेनिक रही हो, चाहे आपका एमी ऑर्गेनिक रही हो या फिर अन्य जो केमिकल कंपनियां बहुत सारी लिस्ट हुई हैं पिछले वर्ष। प्राइस टू अर्निंग रेशियो वर्तमान निकल के आ रहा है करीब करीब 80 के आसपास और प्राइस टू बुक है 24, जो कि अगर देखें अन्य जो केमिकल की कंपनियां हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा है। और भी कुछ मल्टीबैगर्स कंपनियां हैं, बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं, उनसे वैल्यूएशन वाइज अगर देखा जाए तो ये कंपनी अभी काफ़ी ज़्यादा है। कारण ये है कि इस कंपनी को थोड़ा सा इसलिए वरीयता दी जा रही है, चाहे बाज़ार की तरफ से कह लें चाहे निवेशकों की तरफ से कह लें, कि कुछ अपने प्रोडक्ट्स में ये माहिर है। जैसे कि अगर देखें जो इनके प्रोडक्ट एप्लीकेशंस जिनकी डिमांड है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, टेक्सटाइल हो गया, FMCG हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, पर्सनल केयर हो गया, है ना, बड़े बड़े क्लाइंट्स जैसे SRF हो गया, जेनेक्स लेबोरेटरी हो गया, बेयर हो गया, विनाती ऑर्गेनिक्स हो गया, ये सब इनके क्लाइंट्स हैं। और इनका जो माल भी देखें अगर तो फॉरेन में एक्सपोर्ट से ही मात्र 70% ज़्यादा का रेवेन्यू इनको प्राप्त होता है, जैसे कि चाइना हो गया, यूरोप हो गया, USA, कोरिया, ताइवान, जापान, इन सारी कंट्रीज़ में इनके माल सप्लाई होते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये तो रही कुछ बेसिक चीज़ें जैसे कि हमने चर्चा की व्यवसाय के बारे में, इनके IPO प्राइस के बारे में। अब इसमें क्या करें, जो लोग निवेशित हैं देखिए बिल्कुल आप निवेशित रहिए, अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो कंपनी अन्य कंपनियों के मुकाबले थोड़ा सा ये स्पेशल कंपनी है, मैं फिर से कह देता हूँ। उसका कारण है ग्रीन केमिस्ट्री के तहत ये काम कर रही है, तो ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं, इनकी डिमांड हमेशा बनी रहेगी और नित नए दिन अपने R&D के माध्यम से ये कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के नए नए रेंज बढ़ाती जा रही है। अब चूंकि स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं, लीडर हैं, तो जैसे होता है ना कि कुछ ख़ास प्राइस अपना ये रखते हैं अन्य इंडस्ट्रीज़ के मुकाबले, तो भी क्लाइंट्स इनके प्रोडक्ट्स खरीदने को तैयार रहते हैं, जिसको बोलते हैं कि एक तरीके से प्राइसिंग पावर तो इनके पास है कि चाहे कितनी भी लंबी अवधि के लिए आप इसमें बने रहें, हो सकता है कि 1-2 साल 3 साल आपको जो है इसमें तकलीफ देखने को मिले, क्योंकि एक ऑलरेडी 18,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ अभी खड़ी है, या अन्य कंपनियां केमिकल्स के देखेंगे जिनकी बहुत पहले लिस्टिंग हो चुकी है वो भी इस मार्केट कैप के साथ नहीं है, या फिर जैसे कि छोटी छोटी कुछ कंपनियां हैं, चाहे हमें ऑर्गेनिक वगैरह देख लीजिए तो वो भी 4,000 करोड़ के आसपास उनकी शायद मार्केट कैप है। तो इस वजह से हो सकता है कि इस कंपनी में थोड़ा समय भी लग जाए, जब तक बड़ा पैसा इसमें नहीं पड़ेगा FIIs का, DIIs का, तब तक इसमें तेज़ी देखने को हो सकता है कि उतना ना मिले जितना अन्य कंपनियों में आपको देखने को मिले, क्योंकि कंपनी तो अच्छी है बट कभी कभी होता है कि अच्छी कंपनियों को थोड़ा बाजार वैल्यू देने में समय लगाता है, फिर जब पर्टिकुलर उस कंपनी का समय आता है तो फिर वो अपना वो चल देती है। तो ये एक तरीके का क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है मदमस्त हाथी है, इसको फिक्र नहीं है, ये अपना काम में निपुण है, अपने अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती है, तो ये चलती रहेगी, आपको अच्छा रिटर्न भविष्य में बना के देती रहेगी। ये तो है, इसमें किसी प्रकार की वो समस्याएं आने के चांसेस नहीं है जो अन्य कंपनियों के साथ हैं। बट फ्यूचर का ऑफकोर्स केमिकल इंडस्ट्री पूरी मल्टीबैगर है, तो जिनके पास अच्छे प्रोडक्ट्स होंगे, जिनके पास अच्छी डिमांड होगी, उनको तो मल्टीबैगर बनना ही बनना है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से इसके रेवेन्यू या प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, 5 वर्ष में हमें लगता है कि इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि 300% रिटर्न हमें प्राप्त हो जाए।
तो दोस्तों आप भी कोई डिसीजन लेने से पहले आप अपनी स्टडी कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा और उसके बाद ही कोई इस कंपनी में निर्णय लें। फिलहाल अभी जिस प्रकार से अपने हाई से करेक्ट हो चुका है तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी भी दिखती है। तो जो लोग थोड़े थोड़े करके या SIP मोड पे ख़रीदना चाहते हैं वो इन कंपनियों में जो है लंबी अवधि के लिए ख़रीदना जारी रखें। एक साथ पैसा डालना थोड़ा ज़्यादती हो जाएगी। आपके कोई विचार हो, कोई सुझाव तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।